वो आग उसने इधर जलाई सामने इधर किकरियों में, वो कमरा है ना नजर जी, उसके आगे है आग जली हुई अभी तक, वो काला निशान है जगह कचरों का। आए दिखाए, वो मैंने उसको बोला इधर सामने आग नहीं जली हुई है देख, इधर जलाओ। आपने ये कहा कि यहाँ जलाओ? जलाओ इधर, क्योंकि उसने वहाँ नहीं जलाया, यहाँ जलाया। ये सामने तक जली हुई है देख, काली जगह पड़ी हुई है। अच्छा यहाँ? हाँ, ये फिर जाके उस कमरे में बैठ गया, फिर जब बाहर आया रोता आ रहा था, इसी जगह पे जलाई हुई सामने इधर, ये जलाया इधर, ये कांटे मारे जला रहा था ना इधर सामने। हाँ ये जला हुआ पूरा इलाका है। अच्छा यहाँ जला, आपने बोला इधर नहीं जलाओ, अगर तुम कांटा जलाना है तो इधर बाहर निकाल के फिर जला दो। हाँ। वो इधर आग लगा के सामने जाके अंदर बैठ गया। उधर बैठ गए अंदर? अच्छा, फिर मेरा ख्याल दो घंटे तीन घंटे के वो वापस आया बाहर, बोला यार मेरा कमर ही नहीं पकड़ सकता हूँ, दर्द हो रहा है। बोला तेरे को मैंने बोला था ना तो आग इधर नहीं जला। फिर उसको भाई को मैंने फ़ोन किया, बोला इसको ले जाओ अभी, वो आया उसको साथ ले गया। पीर साहब ने ये कहा कि बच गया ये? हाँ, पर उसको चाबी बाबी कमर में बांधा, कुछ पढ़ाई की, मतलब इतना भी काबू में नहीं आया। अभी भी सही नहीं चलता है, ज़्यादा नहीं पढ़ा, अभी भी सही, अभी भी ऐसा ऐसा करके चलता है ईमान से, अभी भी चढ़ा चलता है। इधर हमारे पास काम करता था वो। यही बात है कि अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो ऐसे ही नहीं कह रहा आपको, उसकी बात को आप उसको सीरियस लो, उसको अदब करो, उस बात का एहतियात करो। यार तुम यहाँ जला रहे हो, ये कौन सा कह रहे थे किलोमीटर दूर जलाओ जाके? ये सब जलाया पूरे इलाके में, पूरा जलाया हुआ है कांटे देख, उधर ये सामने जलाओ, उधर बाहर निकाल के जला दो। इनको पता है ना कि यहाँ पर कौन है, हरकतें होती है इधर, मैंने बोला। और अब आप देख रहे हैं अंजाम क्या है, इनके अपने रिश्तेदार का वाक्य है। हमारा रिश्तेदार गाँव का लड़का है, और अभी कुछ भी खोजा रहे हम, क्या हम लोगों पर नहीं आता है, नवे बच्चे को बहुत तंग करते हैं। हाँ ये काम करते थे ना उनके थे, ये अभी तक ऐसे रखे, ऐसे पड़े हुए यार, काम करते थे। हाँ ये मतलब यहाँ पर अगर आपने कुछ करना है तो इजाजत लेके करो। हाँ तो बाबा एक बात है, कोई अपनी मर्जी से नहीं रह सकता यहाँ पर? नहीं, हमारा अभी चौकीदार आएगा, दूसरा भी वो भी रहेगा इधर। मकसद कहने का ये, हाँ, कि रात को चौकीदार रहता तो हो गया मुआवजा उनका, वो नया बंदा वो आता है ना रात वाला, उसने भी मेरे को बोला हुआ है क्या? भाई बहुत सुनने में आता है आवाज हम लोगों को। नहीं क्या बोला वो उसने? वो भी बोलता है आवाज बहुत होते है, ठा ठू ठीड़ बहुत होती है, वो भी आने वाला है। अभी उनकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होगी? बस अभी 6:30-7:30 बजे आ जाता है जो रात की चौकीदारी। हाँ वो रात से सुबह तक होता है, वो सुबह 6 बजे चला जाता है। और आप सुबह आते हैं? मैं 6 बजे सुबह आ जाता हूँ। और दोनों ने ही ये देखा, देखा भी है, आवाज सुना भी है। रात वाले आने वाले हैं जी चौकीदार साहब? हाँ वो अभी आने वाला है, उनसे भी रात के वाकयात जानेंगे। हाँ वो अभी आएगा। बस जो आपको वाकयात सारे बताए हैं बाबा ने, अयाज बाबा ने, ये आपके सामने हैं, ना सिर्फ सुना बल्कि देखा। जो मालिक था ना वो बेच के चला गया इसी वजह से। हाँ वो ही बच रहे हैं, कहते हैं कई बार हम भागते भागते आते थे, आते थे आवाज सुनते थे, ऐसा कोई जोर से आवाज आता, कोई दरवाजा मार रहा है, कई मतलब आवाज दरवाजों की तरह, कोई चीज बंदा कोई मार रहा है आवाज। तो अभी आती है तो अभी आपको दिल में नहीं? नहीं अभी हम लोग आते हैं। हाँ। मगर वो उसका भी नहीं सोच करते हैं, हमने बोला बस ये होने तो भले होते रहेंगे, फिर तो अपनी जगह पे खड़े रह जाते हैं, बैठे होते हैं। हम लोगों को पूरा आगे रख दिया है, अभी तुम्हारा अल्लाह जाने क्या होवे या नहीं होवे, या छोड़े तेरे को नहीं छोड़े, हम नहीं बोल सकते हैं, हम लोगों का नाम नहीं लेते अभी। नहीं जैसे कि आप तो आपको तो इल्म में है ना। हाँ, हमारा तो बता दिया। हाँ, हम आ गए। हाँ, तो आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा? वो अल्लाह जानता है क्या होगा तुम्हारे साथ, हम नहीं बोल सकते हैं। या आप पे हमारे जाने के बाद आप पे गुस्सा हो जाए, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ भी हमारे साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने हमें बता दिया। जी जी। अब आपको नहीं पता कि हमारे साथ
यहाँ पर अच्छा हो या अच्छा नहीं हो जी, वो तो हम नहीं बोल सकते तेरे को अभी। जो हालात है हमने तेरे को पूरी सब कहानी बता दिया है, ठीक है, ठीक है ना। अभी तुम लोग आ जाए, हम अभी चले जाए, तुम लोगों को पहुंच जाए कोई, या कुछ हो जाए तुम लोगों के साथ, ये हम नहीं बोल सकते। वो जो रात पहले चौकीदार आए, हाँ, बाबा वो बस अभी आने वाला होगा, वो इधर ही होंगे ना, वो इधर ही सामने कमरे में होता है, इधर ही ऊपर होते हैं, हाँ इधर बाहर सो जाता है, इधर बैठा होता है सारा रात, मतलब इधर ही होते हैं, इधर रात पूरी रात इधर ही होता है। अभी रही मुझसे मिल के आया है बाबा जी, आपके साथ तो हमने देखा है जगह को, आपकी मोहब्बत आपकी नसीहत सर आंखों पे पूरी कोशिश रहेगी। इनके कहने का मकसद इन शॉर्ट ये कि जो गुंजाइश नहीं है गलती की यहाँ पर, हाँ एक चीज़ कहीं डाउट होती है, कहीं वहम होता है, कहीं धोखा होता है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। एक नहीं कई यहाँ पर ऐनी शाहिदीन हैं, ऐनी शाहिद भी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, मिले, बातचीत हुई, उसके बाद एक अखज निकाला कि इधर गुंजाइश नहीं है गलती की, ये उनकी जगह है, वो रहते हैं यहाँ पर, पूरी आबादी, पूरी पूरी आबादी, यहाँ शादियाँ होती हैं, कवालियाँ होती हैं, यहाँ पर वो आते जाते हैं, इनको चीज़ें दी जाती हैं, इनको जुमले बोले जाते हैं आके, मतलब उनकी जगह है ये। और नौबत आने पे वो इतने बड़े काले रंग के सांप भी बन के आ जाते हैं सामने आपके, खड़े हो जाएं सांप यूँ बन के, सोचें इमेजिन करें कि कोई यहाँ पर सांप खड़ा हो आपके, इतना लंबा क्या गुजरेगी इस वक्त, ये दीवार छोटी लगेगी, बिल्कुल कह रहे 10-12 फुट, 10-12 फुट का है। मैं तब नहीं सोचूंगा कि मतलब फर्स्ट टाइम अपने साइज पे देख लूँ मैं। ये क्या कहाँ से निकल रही है, ये पता नहीं कहाँ से आ रही है, इधर तो नहीं, उधर भी नहीं जाइएगा, इधर बढ़ बहुत सारे, नहीं वो चुंगादड़ तो नहीं, नहीं नहीं इधर इसी तरफ यार, वो लाइन देखो जल्दी, हाँ रिकॉर्ड हो गई है मेरे पास, तीनों लाइन उस रूम से आ रही है, अंदर से इस रूम है, सोहेल भाई थोड़ा लाइट दे रहे हैं, ओ माय गॉड, बहुत ठीक है, हाँ